आ गया दुनिया का सबसे सस्ता बेहतरीन स्मार्टफोन होली धमाका ऑफर के साथ। दोस्तों जितने लोग चालबाज थे इसकी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं क्योंकि यह स्मार्टफोन आज से 3 दिन पहले निकला है और काफी तेजी से बुकिंग चल रही थी। लेकिन जितने भी लोग बेवकूफ हैं जो इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि एक इतना सस्ता स्मार्टफोन जिसमें आपको बेहतरीन मेगा पिक्सल का कैमरा और साथ ही साथ बेहतरीन डिस्प्ले और बेहतरीन प्रोसेसर दिया है और नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और काफी लोगों ने मेरे से कमेंट करके ये पूछा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सब कुछ मसाला इस वीडियो में भरा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आज आपको मिलने वाला है दुनिया का सबसे सस्ता बेहतरीन स्मार्टफोन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल की कैमरा दिया गया है जो कि एक रेक्टेंगल शेप है और सामने की तरफ 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और यह स्मार्टफोन आपको केवल होली के ऑफर में मिलेगा। उसके बाद इसकी प्राइस 7500 रुपए कर दी जाएगी। कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरीके से है जहां पर 108 मेगापिक्सल काफी बेहतरीन शेप और डिजाइन किया गया है इस स्मार्टफोन को और यह स्मार्टफोन मिल रहा है केवल होली के उपलक्ष में 1500 रुपए और कुछ लोगों को 500 रुपए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि खुशी की बात है कि मुकेश अंबानी जी ने जियो की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया एक ऐसे स्मार्टफोन की। चलिए हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद से आपको तुरंत ही रजिस्ट्रेशन बताएंगे। बहुत ही कम का रजिस्ट्रेशन है, तुरंत ही आपको करना है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट इसमें वैध है। और मैं आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन आपको निकटतम स्टोर पर भी मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का होना बिल्कुल अनिवार्य है। आप चाहे तो इसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन की कीमत 1500 रुपए रखी गई है लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस स्मार्टफोन को केवल 501 रुपए में ले सकते हैं और अगर आपके पास जियो फोन 1 है तो भी आप इस स्मार्टफोन को केवल 501 रुपए में ले सकते हैं। कुछ लोग के पास जियो फोन 2 होगा तो मैं आपको बता दूं कि जियो फोन 2 से यह स्मार्टफोन एक्सचेंज नहीं हो सकता है। आप अपने जियो फोन 2 को अपने पास रखिए और इस स्मार्टफोन को लेने के लिए 1500 रुपए लगेंगे। 1500 रुपए जियो फोन 1 के लिए इसीलिए एक्सचेंज हुआ था क्योंकि आज से 7-8 साल पहले मुकेश अंबानी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि जियो फोन 1 जो कि इफेक्टिवली फ्री है 1500 रुपए वापस करेंगे 3 साल बाद। आज वही समय आ चुका है, आप अपने जियो फोन 1 को बिल्कुल खराब कंडीशन में टच और डिस्प्ले बस न फूटा हो IMEI नंबर निकाल कर इस स्मार्टफोन से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लुक और डिजाइन की बात किया गया तो यहां पर सेम वही डिजाइन को जो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था जहां पर सामने की तरफ डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है 20+8 मेगापिक्सल का और पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप और डुअल LED फ्लैश दिया गया है। आप इस स्मार्टफोन की बुकिंग अभी कर सकते हैं क्योंकि इसकी बुकिंग 4 दिन से चल रही है और केवल 2 दिन और बचा है जहां पर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत जनरेट कर रहे हैं तो कल आप 10 बजे बाद निकटतम जियो स्टोर से जाकर ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अभी के अभी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर इस लिंक के जरिए जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आप वहां पर जाकर अपने लिए ये स्मार्टफोन बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन को 50 मिलियन सेट बेचेगा जियो केवल और केवल 6 महीने में, ऐसा मुकेश अंबानी जी ने आपसे वादा किया है, हम सभी भारतवासियों से वादा किया है। तो यहां पर दोस्तों मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं। इस फॉर्म को ओपन करने के लिए आपको जियो के ऑफिशियल साइट पे जाएगा जहां पर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है, जी हां दोस्तों क्रोम ब्राउजर में जाना, वहां पर लिखना है www.jio.com जो कि जियो की ऑफिशियल साइट है। वहां पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जियो फोन 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट और उसके बाद से जियो फोन 5 जहां पर कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। आपको अपना नाम, नंबर, पिन कोड, डिलीवरी एड्रेस के साथ फाइंड नियरेस्ट जियो स्टोर पर जाकर इस स्मार्टफोन को ले